हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की बुक का पार्ट 12 का पार्ट 3। आओ वाक्य बनाएं। तो निकालिए पेज नंबर 68। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है और इससे हमें वाक्य बनाना है। क्या दे रखा है? मेरी गुड़िया। क्या नाम है? मेरी गुड़िया। तो इससे हमें वाक्य बनाना। तो यहाँ देखिए वाक्य ऑलरेडी बने हुए हैं। यह मेरी गुड़िया है, इसका नाम मौली है, यह मेरी नानी ने दी है, गुड़िया का घर सुंदर है, माँ ने गुड़िया के लिए नए कपड़े बनाए हैं, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर पेज नंबर 69 पे देखेंगे अपने प्यारे पालतू पशु का चित्र चिपकाओ और उसके बारे में आपको चार वाक्य लिखना है ना। तो आप यहाँ पर जो भी आपको पालतू पशु आपको पसंद है, जो एनिमल आपको पसंद है, उसका यहाँ पर आपको चित्र बनाना है या चिपकाना है। ठीक है, आप चित्र उसका चिपका सकते हैं और उसके बारे में आपको चार वाक्य लिखना है पेज नंबर 69 पे। ठीक है, तो चलिए निकालिए पेज नंबर 68। आओ वाक्य बनाएं। पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद आपको पेज नंबर 69 पे आपका जो फेवरेट एनिमल है उसका चित्र चिपका कर उसका बारे में कुछ चार लाइनें लिखना है। ओके, चलिए चलिए निकालिए पेज नंबर 68। आओ वाक्य बनाए। मेरी गुड़िया, यहाँ पर हमको एक पिक्चर दे रखा है और उससे वाक्य बने हुए हैं। तो हमें ये पिक्चर देख के जो वाक्य बने उन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, वाक्य बनाए वैसे जैसे आप किसी भी चीज को लेके आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं मेरी गुड़िया पर वाक्य। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें क्या है, कैसे वाक्य बनेंगे। यह मेरी गुड़िया है, इसका नाम मौली है, यह मेरी नानी ने दी है, गुड़िया का घर बहुत सुंदर है, माँ ने गुड़िया के लिए नए कपड़े बनाए, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो हम ये पिक्चर देख के इस तरह के वाक्य बना सकते हैं, जैसे मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है, मैं इसके साथ खेलती हूँ, यह मेरी नानी ने दी है ना। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब मेरे साथ साथ इसे पढ़ते जाइए। नंबर 1, इस पिक्चर को देखिए क्या वाक्य बनेगा। पहले यह मेरी गुड़िया है, तो नहीं, यह मेरी गुड़िया है। नंबर 2, इसका नाम मौली है। क्या नाम है इसका? इसका नाम मौली है। नंबर 4, गुड़िया का घर सुंदर है। नंबर 5, माँ ने गुड़िया के लिए नए कपड़े बनाए हैं। नंबर 6, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। क्या है? नंबर 1 पे यह मेरी गुड़िया है, इसका नाम मौली है, यह मेरी नानी ने दी है, गुड़िया का घर सुंदर है, माँ ने गुड़िया के लिए नए कपड़े बनाए हैं, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो आपको आया समझ में कि किस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, है ना। कोई सा भी पिक्चर हो तो उस पर उसको देख के हम वाक्य बना सकते हैं। हम इस पर और भी कुछ वाक्य बना सकते हैं कि ये गुड़िया बहुत सुंदर है, मैंने इसके लिए सुंदर से कपड़े बनाए हैं, मैं इसको रोजाना नहलाती हूँ, मैं इसके साथ दिन भर खेलती हूँ, इसका एक छोटा सा घर है ना। इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब आपकी बारी, वर्कशीट 12A। आप अपने प्यारे पालतू पशु का चित्र चिपकाओ और उसके बारे में चार वाक्य लिखो। तो आप यहाँ पर जो खाली स्पेस दे रखा है यहाँ पर आप अपने पालतू पशु का चित्र चिपका सकते हो और उसके बारे में चार वाक्य लिखना है। तो आपके कौन कौन से पालतू पशु हैं? कौन कौन से? गाय भी है, कुत्ता भी है, पैरट तोता भी है, बिल्ली भी पालते हैं। तो जो आपको पसंद हो उसका यहाँ पर चित्र चिपका के आप उसके बारे में चार वाक्य लिखना। मैंने यहाँ पर चार वाक्य लिखे हैं, आप उसे देखकर लिख लीजिएगा।
जैसे मैंने यहाँ पर कुत्ते के बारे में लिखा है, अगर आप किसी और पशु के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे नंबर वन, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है, वह दूध रोटी खाता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। क्या वाक्य लिखा है मैंने? नंबर वन, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है, वह दूध रोटी खाता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो आप ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पर कुत्ते का चित्र चिपका सकते हैं या बना सकते हैं, या किसी और जानवर का भी आप चित्र लिख के, चित्र बनाकर यहाँ उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से देख के अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, अगर आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा क्या क्या लिखा है। मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है, वह दूध रोटी खाता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। ठीक है, ये आप इस बुक में कंप्लीट करिएगा। ओके।